आज जो है मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा सा एक होममेड स्क्रब लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मार्केट का स्क्रब जो है उनके फेस पे सूट नहीं करता है या बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ तो आप भी इस तरह से होममेड स्क्रब बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा फेस दिख रहा होगा कितना काफ़ी ग्लो कर रहा है, बहुत ही अच्छा स्क्रब है। तो इस स्क्रब को बनाना कैसे है, इसको अप्लाई कैसे करना है, स्क्रब तो हर किसी को पता है कि हाँ स्क्रबिंग कैसे किया जाता है, बट उसका भी कुछ स्टेप होता है, उसको करने का तरीका क्या होता है कि कहाँ पे करना है कैसे करना है। तो आज मैं आप लोग के लिए यही वीडियो लेके आई हूँ। पहले स्क्रब बनाना बताऊँगी, फिर स्क्रब जो है आपको अप्लाई करना और स्क्रबिंग करना मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो पता चलेगा आप लोगों को कि हाँ कैसे क्या बनाना है। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि हाँ कैसे इस स्क्रब को बनाना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है। गाइस सच में आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आप चाहे तो इसको अपने फेस पे, नेक पे, हैंड पे, लेग पे, फुल बॉडी इसको अप्लाई कर सकते हैं और सप्ताह में आप लोग जो है इसको 2 दिन अप्लाई करें, सच में आप लोग को बहुत नेचुरल ग्लो देखने को मिलेगा। आपका स्किन भी इससे बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा और साथ ही साथ इससे टाइट भी होगा। इसमें ऐसा रेमेडी मैं अप्लाई करने वाली हूँ, डालने वाली हूँ इसमें, कि बहुत ही ज़्यादा आपके स्किन के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए इसको शुरू करती हूँ और बताती हूँ। तो सबसे पहले ले लेना है आपको एक बाउल, एक कटोरी, कटोरी जिस चीज़ का भी हो। मैंने यहाँ पे चीनी मिट्टी के लिया हुआ, आप चाहे तो प्लास्टिक का, कांच का, नहीं तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। इसमें डालना है 2 चम्मच चावल का आटा, जो कि घर पे मैंने बनाया है। आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, घर पे भी आप चावल को पीस के बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है जो 2 रुपये का कॉफ़ी पाउडर आता है, उसका 1 पैकेट मैंने यहाँ पे इसमें डाला है, जो कि 1 चम्मच भर के है इसमें, तो मैं इसको डाल रही हूँ यहाँ पे। दूसरा इन्ग्रीडियंट जो है कॉफ़ी पाउडर है, चावल का आटा और कॉफ़ी पाउडर। तीसरा इन्ग्रीडियंट इसमें आपको लेना है शहद, जो कि मैंने डाबर का लिया हुआ है। अगर आपके घर में नेचुरल उपलब्ध है तो आप डालें तो और ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा डाल के और फिर क्या है कि मैं इसको इसका अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ, जो कि जैसे स्क्रब होता है उस तरह से करना है। और इस पेस्ट को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि कॉफ़ी जो है मिक्स हो जाना चाहिए। कॉफ़ी आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत अच्छा वर्क करता है आपके फेस पे। कॉफ़ी फेस पे या फुल बॉडी पे अप्लाई कीजिए तो बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मैं थोड़ा थोड़ा शहद डाल के मिक्स कर ली थी, फिर ये बन के तैयार हो गया। अब जो है मैं अपने फेस को अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर ली हूँ, यानी कि मैंने फेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश करके ही इसको अप्लाई कीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि डल डस्ट जो भी होगा आपके फेस पे वो निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं इसको इस तरह से अप्लाई करती हूँ, फेस को वॉश कर ली थी मैंने। थोड़ा सा यहाँ पे टिंट लिप बम अप्लाई किया हुआ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने होते हैं तो मैं इस तरह से कैमरा के सामने नहीं आ सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा अच्छे से आओ तो। और ये जो वीडियो मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर मेकअप करके भी नहीं बैठी हूँ। आप लोगों को देखेगा मेरा नेचुरल ग्लो कि हाँ कितना अच्छा ये ग्लो करता है मेरे फेस पे, कितना अच्छा वर्क करता है। क्योंकि अभी जो है मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे स्लीपिंग सूट जो मैं नाइट में पहनी थी मैं वही पहनी हुई, तो मैं सोची हूँ कि चलो आप लोग के लिए एक यहाँ पे स्किन केयर वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे नहाने जाना था, मैं घर की सारी डस्टिंग क्लीनिंग करके और जा रही थी नहाने, तो मैं सोची कि चलो मैं भी अप्लाई कर लेती हूँ, मुझे स्क्रब करना था तो मैं वॉशरूम में जाके करती, इससे अच्छा मैं यहाँ पे बैठ के कर लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसे क्या करना। तो उस पेस्ट को तैयार करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा लेके आपको अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने में क्या है कि थोड़ा सा ये स्टिकी दिखेगा ये, और उसके बाद जो है स्टिकी स्टिकी आपको फील होगा, बट कोई नहीं, आपको बहुत स्लोली स्लोली अपने फेस पे इसे स्क्रबिंग करना है, कुछ इस तरह से मसाज करना है। मसाज आपको ज़्यादा नोज एरिया पे और चिन एरिया पे करना होता है, क्योंकि ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जो है वो यहीं पे होता है, नोज़ के साइड में या नोज़ के ऊपर जो है या चीन के बीचों बीच होता है। तो कुछ इस तरह से आपको फिंगर से हल्के हाथों से बहुत लाइटली आपको मसाज करना है, जेंटली बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपको ज़्यादा स्टिकी लगे शहद जो है, अगर इसे लगे कि ज़्यादा स्टिकी है, बट इस तरह अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपका फेस भी टाइट होगा, इसके साथ साथ स्किन जो है अगर लूज स्किन है वो भी टाइट होगा। स्टिकी ज़्यादा लगे तो आप अपने हैंड में थोड़ा सा वाटर लेके और रोज़ वाटर यानी तो नॉर्मल वाटर लेके भी मसाज कर लीजिए। यहाँ देखिए फेस को मैंने क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद आप लोगों को रिजल्ट जो है सामने दिख रहा है। मैं एक टॉवल के हेल्प से, हैंकी के हेल्प से अच्छे से अपने फेस को डैप डैप करके यहाँ पे पोंछ के भी दिखा रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा वीडियो
है ना आप लोगों के लिए। अगर इस तरह से प्यारा प्यारा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली के साथ शेयर करें। अच्छे से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इसी तरह से अच्छे से वीडियो लेके आती रहूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, लव यू ऑल।